शाहरुख खान और नयनतारा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये संभवतः एक तमिल फिल्म अवार्ड शो का वीडियो है जहां शाहरुख खान बतौर गेस्ट पहुंचे थे। इस वीडियो में लोगों ने जवान का इंस्पिरेशन ढूंढ लिया है। पब्लिक का कहना है कि तभी शाहरुख खान ने नयनतारा को बॉलीवुड ले जाने की बात कही थी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो 2014 में हुए 8वें विजय अवार्ड का है। इस साल फिल्म राजरानी के लिए नयनतारा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इस फिल्म को एटली ने डायरेक्ट किया था। नयनतारा स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए गई थी। वहीं से एंकर ने कहा कि नयनतारा शाहरुख खान को बहुत पसंद करती है। शाहरुख खान ने इशारों में उनका कॉम्प्लीमेंट भी एक्सेप्ट किया था। साथ ही हैंड जेस्चर से बताया कि वो उन्हें अपने साथ मुंबई यानी बॉलीवुड ले जाना चाहते हैं। इस पर एंकर ने कहा कि क्या वो नयनतारा को लेकर जाकर सुद्धू काऊ को हिंदी में बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुद्धू काऊ 2013 की बड़ी चर्चित ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। ये फिल्म किडनैपिंग पर बेस्ड थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में विजय सेतुपति ने लीड रोल किया था। इस सभी जोक्स पर उस अवार्ड शो में बैठे एटली भी हंस रहे थे। जनता का कहना है कि अजीब इत्तेफाक है कि उस अवार्ड शो के दौरान जिस बारे में बात हुई वो सब कुछ असलियत में हो गया। नयनतारा ने मुंबई आकर हिंदी फिल्म में काम किया। उस फिल्म में उनके हीरो शाहरुख खान है। फिल्म के विलन विजय सेतुपति और पिक्चर को डायरेक्ट किया है एटली कुमार ने। इस फिल्म का नाम है जवान। स्टार विजय ने एक टीवी चैनल पर आने वाले विजय अवार्ड में शाहरुख खान को लगातार कई सालों तक बतौर गेस्ट बुलाया जाता था क्योंकि साउथ में शाहरुख खान की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। खैर, फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई और इसने देश भर में जमकर कमाई की और इस फिल्म ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें।